पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय स्त्री धन क्या होता है। हिंदू लॉ में स्त्री धन के संबंध में कंसेप्ट डिफाइन किया गया है। स्त्री धन वो होता है जो किसी भी महिला को उसकी शादी के समय दिया जाता है। स्त्री धन के रूप में अलग अलग माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा हाईकोर्ट के कई तरह के व्यूज है। स्त्री धन वो है जो किसी महिला को पियर यानी उसके माता पिता द्वारा तथा ससुराल पक्ष द्वारा कोई जेवर तथा अन्य चीजें जो शादी के समय उसके उपयोग के लिए उसे प्रदाय किए जाते हैं, इस पर पूर्ण स्वामित्व और आधिपत्य स्त्री का रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस सामान को, चाहे वो उसके पियर वालों ने दिया हो या ससुराल पक्ष वालों ने दिया हो, अपने आधिपत्य में अनाधिकृत रूप से रख लेता है तो वह धारा 406 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है। मित्रों, इस बारे में ये स्थिति स्पष्ट है कि शादी के समय जो भी लोग शादी में उपस्थित होते हैं वह गिफ्ट के रूप में उस महिला या पुरुष को अनेकों चीजें प्रदान करते हैं तो वो गिफ्ट कहलाती है, क्योंकि वो बिना डिमांड के स्वेच्छा से शादी के उपहार के रूप में उसको देते हैं। अब जहाँ तक दहेज का प्रश्न है, कोई भी इल्लीगल डिमांड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत यदि लड़के पक्ष के द्वारा महिला पक्ष से, चाहे वो शादी के पहले हो, शादी के समय हो, शादी के बाद हो, की जाती है तो वो दहेज कहलाती है। तो इस तरह कुल मिलाकर स्त्री धन जो महिला को उसके उपयोग के लिए, चाहे वह पियर वालों ने दिया हो, चाहे वह ससुराल पक्ष वालों ने या उसके रिश्तेदारों ने जो भी सामान उसके उपयोग के लिए दिया है, वो स्त्री धन की श्रेणी में आता है। कई ऐसे आइटम होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से, चाहे वो पियर पक्ष की ओर से शादी के समय दिया गया हो तो वो दोनों के उपयोग, पति पत्नी के उपयोग के लिए दिए जाते हैं, वो स्त्री धन की श्रेणी में आने में दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से यदि लड़की या महिला पक्ष को जो भी सामान देना है उसकी बिलिंग कराकर लड़की के नाम से ही वह सामान क्रय करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह के मैट्रिमोनियल केस में बाद में विवाद उत्पन्न होने पर, जैसे ससुराल पक्ष अपना सामान वापस मांग सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो बिल के द्वारा क्रय की गई वस्तु जो कि लड़की को स्वेच्छा से दी गई है स्त्री धन के रूप में, केस कंटेस्ट होने पर सहायता कर सकती है। तो इस प्रकार मैंने स्त्री धन तथा गिफ्ट के रूप में जो भी शादी में आइटम दिए गए हैं वो गिफ्ट तथा दहेज जो बाद में डिमांड के रूप में कोई भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अपराध माना गया है, कोई भी पक्ष दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इस प्रकार स्त्री का स्त्री धन पर पूर्ण अधिकार एवं उसका संरक्षण उसको दिया गया है कानूनन हिंदू लॉ में। ये मैंने एक सामान्य स्त्री धन क्या होता है इस बारे में इस वीडियो में आपको बतलाया। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये बतलाई गई जानकारी अच्छी लगे और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन आपको वीडियोस प्राप्त होते रहें तथा बेल आइकॉन भी दबा दें और इस वीडियो को अपने मित्र, परिचित, दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।